अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के चिकन मलाई टिक्का। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली हूँ 300 ग्राम बोनलेस चिकन और इसके मैंने दरमियानी साइज़ के टिक्के कटवाए हैं। देखिए छोटे या बड़े नहीं हैं, अगर बड़े रहेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। इसे अच्छे से वॉश करके हम ड्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे वॉश करके छन्नी पे रख दें ताकि इसका पानी जो है निथर जाए। और उसके साथ मैं ली हूँ एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक बड़ा चम्मच हरा धनिया, चार हरी मिर्ची और आधे नींबू के रस को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो ये वही पेस्ट है। और उसके साथ ही कुछ पाउडर मसाले मैंने लिए हैं। तो एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची और उसके साथ एक बड़ा चम्मच मैंने ली हूँ विनेगर। और यह है हमारी फ्रेश क्रीम, चार बड़े चम्मच हमें ज़रूरत है फ्रेश क्रीम की। और ये मैंने लिए हैं दो अंडे और आधा कप ब्रेड क्रम। और ये देखिए ये स्क्वायर है जिसके अंदर हम टिक्के पुरोएंगे। तो इसे मैं पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दे रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। अब चलिए अब हम जो टिक्के को मैरिनेट करते हैं। तो ये देखिए मैंने 300 ग्राम चिकन टिक्का ली हूँ और उसके अंदर मैंने डाल दी नमक आधा छोटा चम्मच और उसके साथ ही हम इसमें दूसरे पाउडर मसाले डालेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही मैंने डाली हूँ गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें कुटी हुई। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल दें। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन मसाला जो हमने पीसे थे, हरा धनिया, हरे मिर्चें और नींबू को डालकर पिसा हुआ ये मसाला है। ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून विनेगर, आप इसकी जगह नींबू का रस डाल सकते हो। और इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद टिक्के को हम 1 घंटे के लिए इसी तरह रख देंगे फ्रिज में। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हो। आप जितना इसे मैरिनेट करोगे उतना ये टेस्टी लगेंगे। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। 1 घंटा हमारा हो चुका है, चिकन टिक्का बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे क्रीम। मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली हूँ, 4 बड़े चम्मच ले रही हूँ। आप चाहें तो घर के दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसमें मलाई डाल दी, क्रीम डाल दी और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मलाई टिक्का खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए अब टिक्का रेडी है हमारे पकाने के लिए। मैंने इसमें मलाई डाल चुकी हूँ, अब इसे हम स्कीवर में डालेंगे। तो मैंने छोटी स्कीवर्स ली हूँ, बड़ी नहीं ली हूँ। एक स्कीवर्स में हम 3 टिक्के डालेंगे तो काफ़ी है। ये देखिए अब चाहे तो बड़ी स्कीवर्स में लेकर उसमें ज़्यादा टिक्के लगा सकते हो, लेकिन इस तरह मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। तो ये देखिए एक स्कीवर में मैंने 3 टिक्के लगा दिए। इस तरह हम तमाम स्कीवर तैयार कर देंगे। इतनी चिकन में तकरीबन हमारी 5 जो है स्टिक्स तैयार हो जाएगी। इस तरह तमाम स्कीवर्स में हम टिक्के को लगा लेंगे। और अब इसे हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम से। ये ब्रेड क्रम में मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे कोट कर लिया चारों तरफ से, पलट पलट करके बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से हम इसे कोट कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट है। अब इसे हम डिप करेंगे अंडे में। तो अंडों को मैंने फेंट लिया है बिल्कुल अच्छे से और अंडे में 1 चुटकी मैंने नमक डाला है।
नमक डाल के मैंने अंडे फेंट लिए थे, अब इसके अंदर मैंने डिप कर ली, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, और ऑयल गर्म करने मैंने रख दिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम चिकन मलाई टिक्के को फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसके चिकन जो है कच्ची है। तो बस इसी तरह इसे हम ऑयल में डाल देंगे और तकरीबन 2 मिनट इसी तरह इसे रहने देंगे। मैंने फ्लेम स्लो कर दी हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो, अंदर तक कुक हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग आया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, और आपने देखा कि बनाने में भी बहुत आसान है, ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिए और जब दिल चाहे इसे झटपट बना लें, या फिर आप इसे फ्रोज़न भी कर सकते हो। ब्रेड क्रम और अंडे में डिप करने के बाद उसे आप एक बार ब्रेड क्रम में फिर से कोट कर दें और उसके बाद आप उसे फ्रीज कर दें। तो ये देखिए तकरीबन इस मलाई टिक्के को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती, स्लो फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ। टिक्के बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आखिर में हम फ्लेम को 2 मिनट के लिए तेज़ कर देंगे ताकि तेल सारा निकल जाए, और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा रंग आया है इसका, बहुत ही अच्छे हमारे चिकन मलाई टिक्का तैयार है, बहुत ही शानदार। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं चिकन कटलेट्स। जी हाँ, ये चिकन कटलेट्स खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगते हैं, हर एक को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आते हैं। आप इसे स्नैक्स के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे, या लंच बॉक्स में इसे सर्व कर सकते हैं, और साथ में ट्रैवलिंग में भी इसे ले जाना बड़ा ही आसान होता है। तो चलिए बनाते हैं चिकन कटलेट्स। इसके लिए मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली और इसे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर मैंने इसे बॉईल कर लिया और फिर इसे मैंने श्रेड कर लिया। ये देखिए मिक्सी में डाल के मैंने 2 से 3 बार 1 से 2 सेकेंड के लिए सिर्फ इसे चलाया है, तो ये बिल्कुल अच्छे से श्रेड हो गई है। और साथ में मैंने लिए हैं 3 बॉयल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू, मसालों में मैंने लिया है 1/2 नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चें, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी नमक होता है इसीलिए यहाँ पर मैंने नमक कम इस्तेमाल किया है, आप भी इस बात को ध्यान रखें। 2 चम्मच मैंने मायोनीस लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पटैटो को, यानी आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से और इसके अंदर मिला देंगे श्रेड की हुई चिकन। यहाँ पर अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन है, ग्रेवी की बची हुई चिकन है या तंदूरी चिकन बची हुई है, तो आप उसे भी श्रेड करके इस तरह मिलाकर उसके कटलेट्स बना सकते हैं, वो भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो आप यहाँ पर लेफ्ट ओवर चिकन इस्तेमाल कर सकते हो, बची हुई चिकन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन में आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें मैं मिला रही हूँ मसाले, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चें कुटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चें कुटी हुई, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, 1/2 नींबू का रस। इन तमाम चीज़ों को डाल दिया मैंने, अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। इन कटलेट्स को आप बर्गर में पैटी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसे मिला रही हूँ 2 बड़ी चम्मच मायोनीस। इसके मिलाने से कटलेट्स बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना मिलाएं। मायोनीस मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मायो जो है मिक्स हो चुकी, अब मैं इसमें मिला दूँगी हरा धनिया,
और इसे भी अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके तैयार करेंगे कटलेट। हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो चुका, हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर इसके कटलेट बनाएंगे ताकि बैटर जो है वो हाथ में चिपके नहीं। दरमियानी साइज के मैं कटलेट तैयार कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। देखिए इतने बस काफ़ी है मेरे लिए, अब अपनी मर्जी से इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पहले पूरी कटलेट तैयार कर लेंगे और फिर इसकी हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह पूरे कटलेट्स हम बना लेंगे। कटलेट्स हमारे तैयार हैं, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड क्रम और दो अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। ब्रेड क्रम में बिल्कुल अच्छे से इसे कोट कर लेंगे और फिर अंडे में डिप करेंगे हम इसे। अंडे में डिप करने के बाद दोबारा से एक बार इसे हम ब्रेड क्रम में कोट करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो। ये देखिए ब्रेड क्रम ऊपर से लगा देने से बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाते हैं। सूखे हाथ का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम है हमारे हाथ में ना लग जाए। इस तरह हम तमाम कटलेट्स को कोट कर लेंगे, पहले ब्रेड क्रम में फिर अंडे में। और अब दोबारा से मैं इसे ब्रेड क्रम में कोट कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर तेज़ आंच पे अच्छे से गर्म कर लिया और फिर मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया। अब मीडियम फ्लेम पर हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारे बॉयल आलू है और चिकन भी हमारी बॉयल है, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन एक मिनट तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हल्के से सुनहरे ऊपर से नज़र आ रही है, अब मैं इसे पलट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अलट पलट करके इसे हम बिल्कुल सुनहरा होने तक, गोल्डन रंग आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज मालूम पड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये चिकन कटलेट्स हमारा रेडी है। ये देखिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये तैयार है चिकन कटलेट्स, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये खाने में बहुत ही लजीज होते हैं ये। तो ये देखिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की चाट यानी कि रगड़ा पैटिस। इसे बनाने के लिए मैंने सफ़ेद विटानों को रात भर भिगो दिया था, ये बिल्कुल अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसे हमें बॉईल करना है तो इसके लिए मैंने इसमें डाली नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हमारे वटाने 1 कप है यानी 200 ग्राम, तो मैं इसमें वटानों का डबल यानी दुगना पानी डाल रही हूँ। 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इस वटानों को हम बिल्कुल अच्छे से गला लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। अब इसमें हम 2 सीटियाँ तेज़ फ्लेम पे और 2 स्लो फ्लेम पे ले लेंगे। ये 1/2 किलो आलुओं को मैंने बॉईल करके अच्छे से छीन लिया है। अब या तो आप इसे मैश कर दें या जो है ग्रेटर से इसे ग्रेट कर दें। तो देखिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब टिकिया बनाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि आलू जो है बिल्कुल ठंडे हो चुके हों, यानी गरम गरम आलू में हम पैटिस नहीं बनाएंगे। आलुओं को मैंने बिल्कुल ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए। अब इसके अंदर हम मिलाएँगे नमक 1/2 टीस्पून। हम बना रहे हैं पैटिस आलुओं की, तो उसके साथ ही इसमें मैंने मिला दिया 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्चें। ये रहा हमारा चाट मसाला 1/2 टीस्पून। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, और 1/2 टीस्पून ही मैंने डाली इसमें जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। और ये रहा हमारा हरा धनिया, हरा धनिया डाल दिया मैंने। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया, 1/2 नींबू का रस डाला है इसमें। और अब इसके अंदर हमें मिलाना है
राइस फ्लावर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं या अरारोट भी मिला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टिकिया को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मिला रही हूँ राइस फ्लावर। तो मैंने आधा कप चावलों का आटा लिया है, अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। तो तकरीबन 6 से 7 चमचे इसमें हम मिलाकर इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो अभी मैंने इसमें डाले हैं 2 चमचे चावलों का आटा। मैं आपसे कह चुकी हूँ, अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट ले लें। 2 चमचे अब मैं दोबारा इसमें मिला रही हूँ, और ये दोबारा से 2 चमचे मैंने मिला लिया। इस तरह मैंने टोटल इसमें 6 चमचे मिलाए हैं। आधा कप मैंने ये राइस फ्लावर लिया था, ज़रूरत के मुताबिक हम इसे लेंगे। और देखिए इसका परफेक्ट सा डो तैयार हो गया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी हम टिकिया तैयार कर लेंगे। चावलों का आटा बनाने के लिए आप मिक्सी ग्राइंडर में 1 कप चावल डाल लें और उसे अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लें, तो आपका चावलों का आटा यानी कि राइस फ्लावर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारी ये टिकिया बिल्कुल अच्छे से बन गई। एक और बना के बता देती हूँ, मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया है ताकि ये बैटर हमारा हाथ में चिपके नहीं, और ये टिकियों का जो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है हमारी ये टिकिया। आप इन टिकियों को इसी तरह फ्राई करके सिर्फ टिक्की चाट भी बना सकते हो, लेकिन आज हम बना रहे हैं रगड़ा पैटिस। तो मैंने रगड़ा बॉईल कर चुकी हूँ। ये देखिए ये पूरी हमारी जो है पैटिस तैयार हो गई है। अब ये ऑयल मैंने गर्म किया और मैं इसे शैलो फ्राई कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम में हम जो है पैटिस को बिल्कुल गोल्डन रंग आने तक अलट पलट करके बिल्कुल अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका पीछे कलर आया है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अब इसे थोड़ी देर और इसे हम फ्राई करेंगे अलट पलट करके, बिल्कुल अच्छे से इसे हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी जो है ये तैयार होती है पैटिस, बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए अब इसका कलर जो है परफेक्ट आ चुका, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। बस फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है ताकि ज़्यादा जो है ये लाल ना हो जाए। अब इसे हम झटपट से निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितनी मज़े की हमारी ये पैटिस तैयार हुई है। आप इस पैटिस को टिफ़िन बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या स्नैक्स के तौर पे भी चटनी या सॉस से सर्व कर सकते हो। तो हमारी ये पैटिस तैयार हो गई। अब चलिए हम तमाम चीज़ों का असेंबल करते हैं, तैयार करते हैं अपनी रगड़ा पैटिस। इसे मैं हल्का सा और 1-2 सेकेंड और इसे फ्राई कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से इसका रंग आ जाए। बस इतना काफ़ी है। अब ये देखिए मैं ये मैंने डाला रगड़ा, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं पैटिस। पैटिस को हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये देखिए बस काफ़ी है। इसके ऊपर हम दोबारा से रगड़ा डालेंगे। देखा आपने रगड़ा कितना परफेक्ट हमारा बना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, बस सही है ये बिल्कुल। ये देखिए ये मैंने इसमें रगड़ा डाल दिया। अब इसके ऊपर हम मसाले डालेंगे। तो ये मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक, इसीलिए मैंने रगड़ा बॉईल के दौरान नमक कम इस्तेमाल किया है। ये भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम इस पर चाट मसाला, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब आखिर में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। लाल मिर्चों को अक्सर मैं भून कर कूट कर रखती हूँ, तो इस तरह से देखिए कुटी हुई मिर्चें मैंने इस पर डाल दी। ये रही हमारी हरी चटनी, देखिए आपने इसका कलर कितना बेहतरीन है। हरी चटनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल लें। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे खट्टी मीठी चटनी, सभी को पसंद आने वाली चटनी। और ये रहा दही, दही में मैंने थोड़ी सी शक्कर डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया था, तो ये मैंने दही डाल दिया। और थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी और इसके ऊपर डालते हैं क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है। बस अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज मालपुए। जी हाँ, अक्सर रमज़ानों में
इसे बनाया जाता है। खाने में ये बहुत ही लजीज होते हैं। मैं आपको दो तरह के मालपुए बताऊंगी, एक एगलेस और एक एग के साथ, यानी एक अंडों वाले और एक बगैर अंडों के। तो चलिए हम बनाते हैं झटपट से मालपुए। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली हूँ 1 कप मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर। ये मालपुए हमारे मार्केट में मिलने वाले मालपुए से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेंगे। साथ में मैं ले रही हूँ उसी कप के नाप से 1/4 कप शक्कर, और वही कप के नाप से हम लेंगे 1 कप दूध। 1 कप मैदा, 1/4 कप यानी 1/4 कप शक्कर, 1 कप दूध और 2 टेबल स्पून मैंने ली हूँ मिल्क पाउडर। ये आप स्किप कर सकते हो, अगर ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इसके डालने से मालपुए में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये एवरीडे का एक पैकेट ली हूँ, ये 10 रुपये का आता है, इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर होते हैं। साथ में हम लेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैंने ली हूँ येलो फूड कलर, और साथ में हम लेंगे 2 अंडे। तो अब ये मैंने बोल में डाल दिया 1 कप मैदा। 1 कप मैदे के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शक्कर, क्योंकि हम इसमें बाद में रबड़ी डालने वाले हैं, तो बस 1/4 कप शक्कर काफ़ी है। और ये मैंने इसमें डाल दी इलायची पाउडर, आप वेनिला एसेंस भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन ये कलर डालने से मालपुए बड़े ही अच्छे रंग के बनते हैं। और साथ में मैंने डाल दी इसमें मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर डाल दिया इसमें। अब इसमें हमें डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। 1 कप मैदे में मैंने 1 कप दूध इस्तेमाल किया है, उसी कप के नाप से मैंने ली हूँ यहाँ पर। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका बिल्कुल परफेक्ट सा बैटर बना लेंगे। अभी मैंने इसमें अंडे नहीं मिलाए हैं, क्योंकि मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। तो हम आपको बताएंगे कि बगैर अंडों के भी इसे बहुत अच्छे से फ्राई किया जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो जो लोग अंडे के बगैर पसंद करें तो वो इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएंगे और बिल्कुल अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे। आज ये मालपुए हम झटपट से बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पूरा बैटर हमारा मिक्स हो गया। इसे 2 से 3 मिनट बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें एयर फॉर्म हो जाए और ये तलते वक्त बिल्कुल अच्छे से फूलें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा तैयार है। अब इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। मैं इसका आधा पोर्शन हटा देती हूँ, एगलेस है वो, इसमें मैंने अंडे नहीं मिलाए अभी तक। तो ये मैंने इसमें आधा डिवाइड कर दिया, इसे हम साइड में रख देंगे और इसको भी मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी। और ये बचा हुआ जो बैटर है इसमें हम 2 अंडे मिलाएंगे। तो आप याद रखें, अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो आपको 4 अंडे मिलाने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 हिस्से में से डिवाइड कर दिया है, तो यानी ये आधा कप मैदा हो गया हमारा। तो आधा कप मैदे के लिए 2 अंडे काफ़ी है। आप इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी जो पकौड़ों में हम सोडा डालते हैं वो डालेंगे। अगर आप सोडा डालना ना चाहें तो आप 2 घंटे के लिए इसे इसी तरह रख दें और उसके बाद फ्राई करें। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। बस एक कटोरी में या एक बड़ी चमचे में इस बैटर को ले लेंगे और इस तरह एक ही तरह हम इसे डालते जाएंगे, खुद ब खुद ये अतराफ में फैलते जाएगा। तो ये मैं एगलेस वाला बना रही हूँ सबसे पहले, बगैर अंडों वाला है ये। तो ये देखिए दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो ये देखिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के बाद थोड़ा सा टर्न करके देखेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे से ये हो चुका है। अब इसे पलट देंगे और इसे अलट पलट करके बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे। इस मालपुए के किनारे जो है वो हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे और ये दरमियान से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो ये देखिए इसे अलट पलट करके हम फ्राई करेंगे, कितना अच्छा नज़र आ रहा है ये। आप चाहें तो मालपुए को घी में फ्राई कर सकते हैं, ज़्यादातर स्वीट्स जो है घी में ही फ्राई की जाती है। तो ये देखिए अब इसे ये फ्राई हो गया, मैंने इसे निकाल दिया। तेल इसको ऑब्जर्व पेपर पे डाल देंगे किचन टॉवल पे, ताकि ये थोड़ा सा ऑयल जो है इसका ऑब्जर्व हो जाए। ये मैंने आपके सामने बना के बताई बगैर अंडों वाला मालपुआ। अब हम अंडों के साथ वाला मालपुआ बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह ही बैटर को डालेंगे एक साथ, ये खुद ब खुद चारों तरफ फैल जाता है। ये देखिए कुछ देर इसे इसी तरह रहने देंगे, ये खुद ब खुद फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा। ये देखिए साइड के किनारे इसके पकने शुरू हो गए हैं और ये फ्लोट होकर ऊपर आना शुरू हो गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखी हूँ, परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। देखिए ये फ्लोट होकर ऊपर आ गया है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट ऊपर आ गया है फ्लोट होकर। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर इसे हल्का सा टर्न करके देखेंगे, अगर ये सुनहरा रंग के होने लगे तो इसे पलट देंगे। ये देखिए बस
काफ़ी है। अब इस तरफ से हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मैं आपके सामने शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसे डीप और शैलो के दरमियानी फ्राई किया जाता है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं और बहुत कम तेल नहीं। तो ये देखते हैं, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है। देखिए ये साइड से भी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट ये फ्राई हो गया है। बहुत ही मज़े का ये मालपुआ तैयार है। तो चलिए अब इसे भी हम निकालते हैं। बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और मैं आगे आपको इसको गार्निश करके भी बताती हूँ। तो ये देखिए, अब गार्निशिंग के लिए आप जो है मलाई में थोड़ी सी शक्कर मिला दें या रबड़ी ले लें, आपको पास जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकती हो, या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये मैंने इस पर रबड़ी लगा दी, इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्के से ड्राई फ्रूट। तो देखा आपने कितना आसान था, ये हमारा एगलेस वाला है, बिगर हंडू वाला है, तो इसे भी मैंने गार्निश कर दिया। तो देखा आपने कितना आसान था मालपुआ बनाना। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।